एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर टू। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फूड के बारे में, चैप्टर नंबर वन, उसमें हमने क्या जाना था कि फूड में क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंड क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। तो सोर्सेज और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, अगर हमें फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ बनानी है उसके लिए जो भी सामान लगता है उसे इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, और वो चीज़ कहाँ से आ रही है उसे सोर्स बोल दिया जाता है। अगर हमें राइस बनाना है, अगर हमें चावल खाना है, तो उसके लिए हमें कच्चे चावल और पानी चाहिए होगा। तो पानी और कच्चे चावल को हम क्या कह देंगे, उसके इंग्रीडियंट्स। और वैसे ही वो चीज़ कहाँ से आई है, कच्चे चावल प्लांट से आए हैं, पानी कहाँ से आया है, अंडर वाटर सी माउंटेन से आया है, तो ये सब चीज़ें इसको क्या कहा जाता है, सोर्सेस। ओके, उसके बाद जब हम इस चैप्टर में आते हैं तो इस चैप्टर में हम क्या समझते हैं कि फूड हमारे लिए आखिर क्यों ज़रूरी है। अगर हम फूड खाते हैं तो ये हमारे लिए, शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों खाना चाहिए। अगर हम खाते भी हैं तो क्या हम सही मात्रा में खाते हैं, हम कम या ज़्यादा तो नहीं खाते। अगर हम इसे खाते हैं तो कोई हमें प्रॉब्लम या परेशानी या फिर कोई डिजीजेस तो नहीं होते। और क्या क्या इस चीज़ के रोल है, क्या हम ये इस चैप्टर में क्या है, बहुत इजी वे से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, फर्स्टली हम समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसके बाद हम डाइट्री फाइबर समझेंगे, बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी डिजीजेस, वाटर एंड रफेजेस, ये सब हम समझेंगे। उसके बाद हम टेस्ट भी देखेंगे कि अगर हम जो चीज़ खा रहे हैं क्या उसमें वो चीज़ मौजूद है। जो भी हम चीज़ खा रहे हैं अगर उसमें वो चीज़ है ही नहीं तो हम क्यों खा रहे हैं, अगर जो चीज़ होगी तभी तो हम खाएंगे। तो जैसे कि हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, टेस्ट करेंगे स्टार्च का, टेस्ट करेंगे प्रोटीन एंड फैट्स, और लिस्ट भी देखेंगे लास्ट में विटामिन और मिनरल्स की। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो है न्यूट्रिशंस के बारे में। जैसे आप यहाँ पे प्लेट में देख रहे हैं, प्लेट में एक डिश है। ओके, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं कि जो भी चीज़ हम प्लेट में खा रहे हैं, अगर कुछ भी खाना हमारी प्लेट में रखा गया है उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस तो होंगे, है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशंस क्या होते हैं इन्हें हम देखेंगे, कि जैसे कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं कि दीज इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब समझते हैं, जो भी चीज़ हमारी प्लेट में रखी गई है वो क्या करती है, सम कंपोनेंट्स रखे गए हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, नीडेड बाय आवर बॉडी। तो दीज कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिशंस कह देते हैं। ओके, आप समझ गए न्यूट्रिशंस किसे कहा जाता है, जो भी कंटेन होता है हमारे इंग्रेडिएंट्स, जो भी कंटेन करती है हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है उसको न्यूट्रिशंस कहा जाता है। और इस न्यूट्रिशंस के बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म हो सकता है, और प्रोटीन हो सकता है, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ हमारी न्यूट्रिशंस में आते हैं। ओके, उसके साथ साथ डाइट्री फाइबर्स भी आते हैं, डाइट्री फाइबर्स इन वाटर। ओके, ये सब हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। डाइट्री फाइबर्स होते हैं कच्चा खाना, एक चीज़ होती है पक्का खाना, पका हुआ हमारे लिए कुक्ड होता है, और एक होता है कच्चा जो हम फ्रूट के फ्रूट को खाते हैं, फ्रूट को पकाते तो नहीं है हम, कच्चा खाते हैं। और एक वाटर की फॉर्म में भी रखा होता है, जैसे कि आप प्लेट में खाना रखा है उसमें आप कुक खाना भी रखते हैं और साथ में फ्रूट्स भी रखते हैं, और पीने के लिए जूस या फिर मिल्क रखते हैं, तो उसे खा जाता है वाटर की फॉर्म में खाना। ये सब न्यूट्रिशंस हमें देखने को मिलते हैं जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। ओके, तो इसे हम न्यूट्रिशंस कह देते हैं। अब आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए, हमारे खाने में बहुत मेन रोल प्ले करता है, मेन कंपोनेंट्स है, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें शक्ति प्रोवाइड करता है हमारी शरीर को, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। हम ग्लूकोज पीते हैं एनर्जी के लिए, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी देता है, और सिंपल सी फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट्स ये पता चलता है कि स्टार्च और शुगर इसमें पाया जाता है, स्टार्च एंड शुगर कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है।
अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो उसमें हमें स्टार्च सुगर देखने को मिलता है। हम ये देखेंगे कि स्टार्च क्या होता है आगे। उससे पहले हमें ये देखना है कि ये इसकी फॉर्म कौन कौन सी होती है। अगर हम खाएं पटेटो, राइस, ब्रेड और सर्गरी ड्रिंक्स, मतलब कि सर्गरी ड्रिंक्स मतलब कुछ भी पीने की चीजें, जैसे फ्रूट जूस हो गया, ओके, व्हीट हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म होती है। जैसे इस पिक में है स्वीट पटेटो, पटेटो, सुगर केन, पपाया, ये जितनी भी चीजें हैं इसमें सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाना है तो ये सब चीजें खानी पड़ेंगी। ऊपर से अगर हमें ये देखना है कि अगर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्च का अगर हमें देखना है, स्टार्च क्या होते हैं, अगर हमें स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में है तो स्टार्च का क्या होगा टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भी फूड ले लेंगे हम, ओके। उसमें हमें क्या चाहिए, डिल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, एक कच्चा कुछ भी रॉ, जैसे हमने यहाँ पे पटेटो लिया है, ओके, उसको हम एक काट देंगे, छोटा पीस कर देंगे। उसमें क्या मिलाएंगे, आयोडीन मिलाएंगे। अगर 2-3 drops ऑफ डिल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन उस पर डाल दिया जाए और उसका कलर अगर आपको ब्लू या ब्लैक देखने को मिलेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट के उसमें अगर हम डालेंगे तो ब्लू और ब्लैक देखने को मिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या मिला हुआ है, स्टार्च है, ओके। ये सिंपल सा था जो कि हमें पता चलेगा। ऑरेंज और ब्राउन कलर अगर आयोडीन टर्न्स हो जाता है ब्लू और ब्लैक में, ओके। आयोडीन का कलर क्या होता है, ऑरेंज सा और ब्राउन सा थोड़ा होता है। अगर इसमें हमें डाल देंगे, अगर किसी भी पटेटो के स्पेस में या फिर किसी भी चीज में डालेंगे, अगर वो ब्लू और ब्लैक हो जाए तो उसका मतलब उसमें क्या है, स्टार्च, मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट है, ओके। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है। जो भी हमारे टिश्यूज जो है एक शरीर बनाते हैं उसको एक जोड़ के रखते हैं, हमारे ब्लड को, हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखते हैं। हमारी बॉडी के लिए क्या है, प्रोटीन नीड होता है, तो इसीलिए हमें प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बिल्ड है, बिल्डिंग जो ताकत है वो रहे, ओके, बॉडी को बिल्डिंग बने रहे। जैसे कि हमारे नेल्स होते हैं, हेयर्स और स्किन्स और मसल्स और हमारी ब्लड, ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अगर अगर आपको प्रोटीन की कमी हो जाए ना, तो आप देखने लगना कि नेल्स हमारे टूटने लगते हैं, हेयर्स की रंग जो होते हैं वो थोड़े ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, स्किन में कोई कलर ही नहीं रहता है, थोड़ी डल स्किन हो जाती है, हमारी मसल्स भी काम नहीं करती हैं, ओके, हमारे ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी होती है। तो इसलिए हमें प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन अब हमें किसमें, हम किसमें देखें, हम क्या खाएं प्रोटीन के लिए, तो उसके लिए हमें खाना है एग। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग खाएं, मीट खाएं, फिश खाएं, और वेजिटेरियन है तो आप खा सकते हैं ओट्स, दाल, एलमंड, मतलब बादाम, ओके, बादाम होता है, और मिल्क, कोयर्ड, ओके, आर सम रिच ऑफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ये सब आप खाओगे तो आपकी कोई भी इस चीज की प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिलेगी। कि अब हम जो खा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन है भी या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट प्रोटीन फूड, जो हमें फूड है उसमें हम फूड को लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ये दो चीजें हम लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राइंड द फूड एंड उसको मतलब पीस देंगे, जैसे कि एलमंड्स ले लिया, बादाम ले लिया, फिर उसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे। जैसे कि इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाला, ग्राइंडेड करके हमने कुछ भी चीज पीस दी और उसको हमने डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, और 10 drops ऑफ वाटर साथ में डाल दिए, पानी डाल दिया, कुछ भी हम गिलास ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं लेकर, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग अ ड्रॉप ऑफ 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ओके, 2 drops हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया, जैसे इस पिक में दिख रहा है आपको, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से मिला देंगे, ओके। उसके बाद 10 drops ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी हमने यहाँ पे ऐसे डाल दिया, ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर उसको मिलाने के बाद अगर कलर वॉयलेट कलर का दिखता है तो हमें इसमें पता चल जाएगा कि ये प्रोटीन है। वॉयलेट कलर, ऐसा कलर आपको शो हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन है। तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कास्टिक सोडा चाहिए, ओके। अब आगे बात करते हैं जो फैट्स के बारे में। फैट्स के अगर हम देखें तो ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है,
प्रोवाइड एनर्जी अगर मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, जैसे कि अगर हम पूछेंगे, अगर कोई पूछे जैसे फैट्स में ज्यादा है या कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा है एनर्जी, तो हमें पता होना चाहिए फैट्स में ज्यादा एनर्जी है, मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स. बट फैट्स को अगर हम देखें ना, एनर्जी लेने में काफी टाइम लगता है. फैट्स को हमारे शरीर में ढलने के लिए, पचने के लिए फैट्स को टाइम लगता है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेरिजन में फैट थोड़े लेट लेट हमें एनर्जी देता है. ओके, मगर ज्यादा देता है कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, फैट में आल्सो भी हजारडियस, मतलब कि हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है फैट. ये मैं सोचना हमारे लिए सिर्फ अच्छा ही है, हमारे लिए खतरनाक भी है हेल्थ के लिए. अगर इसको हाई हाई मात्रा में लिया जाए तो उससे हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई डिजीज की, हार्ट हार्ट में प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है. ओके, अब बात करते हैं फैट्स की चीजें किस किस में होती हैं, जैसे कि घी हो गया, चीज आप खाते हैं, बटर, ऑयल, क्रीम, ये सब में हमें फूड में, इन सब में फैट हमें देखने को मिलता है. बात करें टेस्ट की, हम देखेंगे कि टेस्ट में कि फैट उसमें है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. एक फैट वाली चीज हम लेंगे, जैसे कि बटर लिया, उसको हमने पीस ऑफ पेपर में रब कर दिया उसके पेपर में. ठीक है, आपके पास कोई भी होगा, बटर होगा, तो उसको पेपर में रब कर देंगे. आप देखोगे कि उस पेपर में क्या देखेंगे कि ऑयल पैचेस आ गए हैं, जैसे कि ऑयली पैचेस, मतलब कि ऑयल ऑयल सा देखेंगे उनको मिलेगा. और फॉर एग्जांपल और चीज भी देख सकते हैं, जैसे कि आप पेपर लेंगे और आप बाहर से कोई नमकीन या कुछ भी लाके, नमकीन लाके रख देंगे थोड़ी देर, 1-2 मिनट, फिर आप हटाएंगे उसे, तो आप खुद ही देखेंगे पेपर में ना ऑयल लग जाएगा. तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें हमें फैट है, हमें ये चीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए. ओके, तो ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पे फैट है इसमें, ये सब तेल है, ऑयल है. ओके, इसमें अगर देखिए मीट में, फिश में और एग में, ये सब में फैट होता है. जो एनिमल्स की दी हुई चीजें हैं ये वाली, और ये है प्लांट्स की. ओके, अब बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में. विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स होता है जो हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है. जैसे कि डॉक्टर कहते हैं विटामिन्स खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी हमारी जो भी बॉडी है उसमें कोई भी डिजीज ना हो, कोई भी बीमारी ना लगे. जैसे बच्चों को देखते हो, उनके आईज में चश्मे लग जाते हैं, उनकी बोन्स, उनकी हड्डियां दर्द होने लग जाती है, उनके दांत भी बहुत दर्द होते हैं, उनके दांत वाले ऊपर वाला हिस्सा होता है ना गम्स, वो भी बहुत दर्द होने लगते हैं. अगर उन्हें आपको हेल्थी रखना है, अगर आपको चश्मा नहीं लगने देना है अपने शरीर में, तो आप विटामिन का इस्तेमाल अपने फूड में जरूर करें, चाहे थोड़ा थोड़ा करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, पर जरूर करें, क्योंकि विटामिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, डिजीज से बचाता है. अगर हम बात करें विटामिन के फॉर्म, क्योंकि विटामिन ए भी होती है, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और के भी हमें देखने को मिलती है. अगर हम देखें सब तरह का विटामिन हमारे लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें लेना जरूरी है. ओके, अब विटामिन ए के में क्या होता है, विटामिन ए अगर हम खाएं, जैसे कि पपाया, ओके, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क और फिश ऑयल, ये चीजें अगर आप खाते हैं तो आपको स्किन और आइस जो है हेल्थी रहेगी. ओके, और विटामिन सी अगर हम खाते हैं तो अगेंस्ट जैसे मैनी डिजीजेस से विटामिन सी लड़ता है. विटामिन सी किस में होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ऑरेंज में, खट्टी चीजों में आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑरेंज खट्टा होता है, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन भी खट्टा होता है, आंवला भी, ये जितनी भी खट्टी चीजें होती है उसमें विटामिन सी होता है, और ये हमारी डिजीज से, बहुत सारी डिजीज से फाइट करता है. अब बात करें विटामिन डी की, विटामिन डी क्या करता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम, बोन्स और टीथ को मजबूत रखता है, हमारी हड्डियां और हमारे दांत मजबूत रहते हैं, झड़ते नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिश खानी पड़ेगी, एग खाना पड़ेगा, लिवर्स हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें जरूर खाना चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां और हमारी टीथ मजबूत रहे. तो हमारे जो ये सब था विटामिन के बारे में. अब बात करते हैं मिनरल्स के बारे में. मिनरल्स आर नीडेड आवर ट्रेसेस अमाउंट, ट्रेसेस अमाउंट मतलब लो अमाउंट, मतलब थोड़ा लो, मतलब थोड़े अमाउंट में हमें मिनरल्स भी खाने चाहिए, हमारे जरूरी है हमारे शरीर के लिए. तो अगर हम देखें मिनरल्स हम क्यों खाएं, क्योंकि ये जो है बिल्डिंग क्या करता है, प्रॉपर ग्रोथ करता है हमारी और मेंटेन आवर बॉडी.
कैसे? क्योंकि हमारी एज जब बढ़ने लगती है तो हमारी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ने लगती है। तो इसीलिए मिनरल्स, अगर मिनरल्स की कमी होगी तो आपकी जो हाइट है वो भी कम रह जाती है, आपके जैसे कुछ भी चीजें, आपके बाल जो बढ़ते हैं मिनरल्स की वजह से भी बढ़ते हैं, तो सब चीज की ग्रोथ है ना बढ़ना, वो कम हो जाता है। इसलिए मिनरल्स जरूर खाना चाहिए। और मिनरल्स किस किस के फॉर्म में होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, जिंक, इस सब चीजों में हमें फॉर्म में मिनरल्स मिलता है। जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ पे आयोडीन, इसमें सोर्स ऑफ आयोडीन जिंजर, फेस, ये कुछ पत्ते आपको हरी सब्जियां देखने को मिलती है, इसमें भी मिनरल्स होता है। फॉस्फोरस की फॉर्म में अगर हम देखना है बनाना, फॉस्फोरस की फॉर्म बनाना बहुत अच्छी है। अगर हमें आयरन की फॉर्म में देखना है तो आयरन की फॉर्म में ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, एप्पल, एप्पल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयरन, अगर हमें देखना है सोर्स ऑफ कैल्शियम तो एग हो गया, मिल्क हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि किसमें क्या क्या पाया जाता है। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स के बारे में। डाइटरी फाइबर्स जैसे हमारे न्यूट्रिशन जरूरी है, उसी हिसाब से डाइटरी फाइबर्स भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? रॉ चीज, मतलब कुछ भी कच्ची चीज, जो हम फ्रूट्स खाते हैं कच्ची चीज, वो होती है डाइटरी फाइबर्स। इसमें रफेज होता है, जैसे कि रफेज मतलब होता है कि हमारे जितने भी मेनली प्रोडक्ट जो भी प्लांट से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये फ्लावर जैसे कि होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? वेजिटेबल्स, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? प्लांट से ही तो आ रहे हैं, तो इनके ये रफेजेस ही माने जाते हैं। जैसे कुछ भी हमारे शरीर में गंदगी को, हमारे डिजीज को हमें इससे प्रोटेक्ट करता है, और रफेजेस मतलब होते हैं कुछ भी हमारे शरीर में गंदगी को साफ रखता है। प्रोवाइड करता है, एक सेकेंड, प्रोवाइड करता है क्या? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस, प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को, और एसेंशियल होता है हमारे इसके लिए। कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एट इट्स बल्क, मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी है डाइटरी फाइबर, जिसे बोलते हैं फ्रूट्स खाना चाहिए, और जो भी खाना हमारा पचता नहीं है ना, उसे पचाने में भी मदद करते हैं को रफेज और डाइटरी फाइबर्स। अब बात करें वाटर की, तो वाटर हेल्प करता है हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिशंस। जो भी हम न्यूट्रिशंस खा रहे हैं उसे अगर हमें एब्जॉर्ब करना है, उसके लिए हमें पानी बहुत जरूरी है। और हेल्प करता है थ्रोइंग आवर सम वेस्ट, जो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है ना, वो वाटर के थ्रू ही निकलता है, जैसे कि यूरिन, यूरिन हम जाते हैं तो उसके थ्रू हमें निकलता है, वाटर के फॉर्म में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडी नीड, हमें जैसे कि हम जैसे क्या पीते हैं, वाटर पीते हैं। वाटर की फॉर्म क्या क्या होती है? मिल्क हो सकती है, टी हो सकती है, कुछ भी चीज़ अगर हम खाना भी बना रहे हैं तो उसमें पानी यूज होता है, तो हर किसी चीज़ में पानी यूज जरूर होता है, तो इसीलिए हमें प्रोवाइड होता है पानी, तो हमें पानी जो है जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अब जैसे अगर हम एक्टिविटी को देखें, इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि हमें अगर पता करना है कि किसमें डाइटरी फाइबर्स में पानी है कि नहीं, तो अगर हम देखें टमाटो हो गया, लेमन हो गया, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसे अगर हम कट करें उसको, अगर लेमन को आप आज देखना करके कट करके, तो हमारे जो अगर हम कट करेंगे ना टमाटो लेमन को, तो क्या होगा, हमारे हाथ जो है ना गीले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पानी मौजूद होता है। अगर हम उसे केयरफुली आप देख कट करोगे उसको, तो हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या है, पानी है, हमारे हाथ जो है वो गीले हो चुके हैं। और हम क्या देखेंगे, आगे देखते हैं जो बोल रहा है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स जो होते हैं ना, उनके जो छिलके होते हैं उन्हें छिलने पे, पील करने में, उन्हें क्या करने में, छिलने में, ये सब इनमें क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है, और क्या देखने को मिलता है उसमें, न्यूट्रिशंस में देखने को मिलता है। जैसे आप एप्पल खाते हो, एप्पल का जो बाहर का छिलका होता है ना, उसे कहते हैं, उसे छिलके समेत ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम छिलके समेत खाएंगे ना, तो उसमें आयरन पाया जाता है, छिलकों में ही आधा आयरन पाया जाता है। तो कुछ चीजें जैसे होती हैं, ज्यादा धोना भी नहीं चाहिए उन्हें, ज्यादा धोने से कुछ भी चीज को, जैसे चावल हो गए, दाल हो गई, उनको ज्यादा देर तक धोने से भी ना न्यूट्रिशंस निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें जो हमारी इम्पोर्टेंट होती है। बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट होता क्या है? जैसे कि हम जो भी फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो एक डाइट ही होती है। बैलेंस डाइट मतलब कि हमें हर चीज, हर न्यूट्रिशंस को राइट अमाउंट में खाना जरूरी है। हमें कुछ चीज ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए और कुछ चीज कम भी नहीं खानी चाहिए। बैलेंसली हमें सब चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज खानी चाहिए। आल्सो अवर डाइट कंटेन करती है रफेज, मतलब कि अनकुक्ड खाना,
अनकुक वेजिटेबल्स। ओके, कुछ चीजें हम ऐसी भी होती है जो हम खाते हैं बिना पकाए, ऐसी चीजें भी होती हैं और वाटर होती है, ये सब होती है हमारी बैलेंस डाइट में। ओके, बैलेंस डाइट डिपेंड करता है हमारी एज में और जो भी हम काम करें, जैसे जिम में जाते हैं तो बैलेंस डाइट उससे भी निर्भर करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जिम जाता है तो हमारे लिए, अगर वो बहुत मेहनत करता है तो उसको न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक जना अगर घर में ही बैठा हुआ है तो उसको न्यूट्रिशंस की सिर्फ थोड़ी ही मात्रा में ज़रूरत होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे रखा है एथलीट्स होते हैं जो गेम्स खेलते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है खेलने के लिए। ओके, और एक पर्सन है ओल्ड एज पर्सन जो घर में बैठे रहते हैं, उन्हें फूड कंज्यूम करना होता है क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट भी करना होता है, उन्हें पचाना भी होता है, इसलिए वो रॉ चीज़ें भी खाते हैं। ओके, और कुछ जैसे कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया, उनमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो फ्रूट्स के बाहरी परत होती है। अगर एक फ्रूट है उसके बाहर का जो छिलका होता है ना, उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स बाहरी मार पाए जाते हैं, तो इसीलिए वॉशिंग और बॉइलिंग, ओवर कुक करने से, ज़्यादा पकाने से हमारी न्यूट्रिशंस की कमी होने, उसमें लॉस हो जाता है, न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं ज़्यादा पकाने से, तो हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए कुछ भी चीज़। ओके, ओबेस्टी क्या होता है? जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं, इस बच्चे को क्या है, ओबेस्टी का शिकार है, इसे बहुत मोटापा है, इस मोटापे को ये बहुत परेशान है। क्यों है ये मोटापा, आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया, ये जो नेम है ये क्या सोच रहा है कि फैट है ना, इसको ये सोच रहा है कि फैट जो होता है ना बहुत अच्छी चीज होती है, बेस्ट फूड होता है खाने को, ऑल द टाइम ये खाता रहता है फैट वाली चीजें, जैसे कि कचौड़ी। ओके, कचौड़ी हो जाती है, कचौड़ी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो खाता है। ओके, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है, मगर ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। ओके, खाओ मगर थोड़ा बहुत, जैसे कि फ्राई चीजें, फ्राइड हम तली हुई चीजें खाते हैं ना, समोसा पूड़ी। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें फैट होता है, मगर हमें उसी बैलेंस बना के खाना चाहिए, बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, बहुत ही कम खाना चाहिए, बहुत कम। ज़्यादा अगर आप उस चीज़ को खाओगे तो ये चीज़ बहुत गलत है, आप ये सोचोगे कि फैट तो एनर्जी देता है तो हमें फैट्स खाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत हार्मफुल भी होता है। ओके, तो ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, और अस टू ईट टू मच, अगर बहुत ज़्यादा खाएं ना फैट्स को, तो हमें क्या होता है, सफरिंग हो जाते हैं ओबेस्टी से। ओबेस्टी मतलब क्या होता है, ओबेस्टी मतलब होता है मोटापा। ओके, ओबेस्टी मतलब होता है मोटापा, अगर हम मोटापे के शिकार हो गए तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बीमारी का कारण होता है। ओबेस्टी मतलब होता है मोटापा, जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, जो मोटापा होता है वो फैट से ही तो आता है, तो इसीलिए फ्राइड चीज़ें जो है कम खानी चाहिए। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज के बारे में। डेफिशिएंसी डिजीज होता है वो क्या होता है? ओके, डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस, जैसे कि अगर हमें न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, ये चीज़ों की अगर कमी हो जाए ना, तो हमें क्या हो जाता है, डिजीज के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि कुछ भी चीज़ अगर हमने नहीं खाई है, हमारी डाइट में कुछ भी चीज़ की कमी हो गई है, तो हमें डिजीज हो सकता है, जैसे कि स्किन डिजीज, हेयर फॉल, फेस में प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, बोन्स, टिथ, ये सब जो है प्रॉब्लम हो सकती है हमारी शरीर में। ओके, तो डेफिशिएंसी ओवरकम करने के लिए हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट क्या होता है, हर चीज़ बैलेंस में खानी चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक पर्सन डेफिशिएंट ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर वो खाएगा, पर्सन वेरी थिन और वीक होगा, अगर उसको उस चीज़ की कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसको क्या होगा, वो वीक हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लड है, ये क्या है, ब्लड है, ब्लड ऐसा होना चाहिए, अगर हम नहीं खाएंगे तो ब्लड की कमी देख रहे हो ना, यहाँ पे ब्लड है ही नहीं, और हमारा नॉर्मल पैर ऐसा होना चाहिए। अगर हमारा पैर ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर विटामिन डी की क्या चीज़ है, विटामिन डी की कमी है, और अगर खून की कमी हो गई मतलब कि आयरन की कमी है। ओके, तो इस चीज़ के लिए अगर हमें क्या खाना चाहिए, अगर हमें इस चीज़ की कमी है तो हमें क्या खाना चाहिए, वो भी हम देखते हैं। जैसे कि
विटामिन्स और मिनरल्स यहाँ पे चार्ट दे रखे हैं। जैसे कि हम बात करें विटामिन्स ए की, तो विटामिन्स ए की अगर प्रॉब्लम हो जाए ना तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, मतलब आपको अंधेरे में दिखेगा ही नहीं। अगर आप अंधेरे में जाओ तो थोड़ा बहुत दिखता है, अगर उसको विटामिन ए की प्रॉब्लम हुई तो उसको विजन जो है बहुत कम दिखता है, बहुत कम। इसका मतलब आप समझ जाना कि उसको विटामिन ए की प्रॉब्लम है। तो अगर उसको विटामिन ए की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसे क्या खाना चाहिए, पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क ज्यादा पीना चाहिए। ओके, ये सब चीजें उसे खानी चाहिए ताकि उसके विटामिन ए की कमी दूर हो जाए और उसको जो ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, उसको दिखने लगे। अब बात करते हैं विटामिन बी वन की। विटामिन बी वन क्या होता है, ये होती है बेरी बेरी नाम की एक डिजीज होती है, जो कि हमें क्या होती है, वीक हो जाती है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, पैरालाइजिंग आ जाते हैं, जैसे कि हमें कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, नर्वसनेस आ जाती है। इसके लिए भी हमें बहुत सारी चीजें खानी चाहिए। बी वन के लिए हो गया मीट होता है, ओके, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, इसको खाना चाहिए ताकि हमारी मसल जो है वो स्ट्रांग रहे। विटामिन सी की बात करें तो इसकी जो डिजीज होती है इसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी मतलब होता है कि बिल्डिंग गर्म्स, जैसे कि हम देखते हैं नाक, वो जो दांत में से खून आने लग जाता है उससे इसकी प्रॉब्लम होती है, मतलब उसके दांत जो है ना वो वीक है। तो विटामिन सी के लिए हमें क्या खाना चाहिए, यहाँ पे आपको दे रखा है चार्ट, ऑरेंज हो गया, जो मैंने खट्टी चीजें, जिसमें खट्टे चीजें ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, रेड चिली और लेमन और आंवला बहुत जरूरी है, जिससे उनकी जो दांत है वो मजबूत रहे। अब विटामिन डी की बात करें तो इसकी इस अगर ये ना विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स मतलब बोन्स में, मतलब वीक हो जाते हैं, हमारी हड्डियां जो है दर्द होने लग जाती है, दांत जो है ना वो झड़ने लग जाते हैं विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी से हमें क्या देखने को मिलता है, विटामिन डी में बटर, मिल्क और फिश हो गए, एग हो गए, ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए ताकि हमारे जो दांत हैं, हमारी बोन्स हैं, वो दर्द ना हो। अब बात करते हैं विटामिन के की, तो विटामिन के में क्या होता है, ये क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इफेक्ट। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होते हैं ना, जैसे हमारा कुछ चीज भी कट जाए, कोई भी स्किन अगर कट जाए उसमें खून बहने लग जाता है, और वो खून बहता ही रहता है, उसका खून एक टाइम में आके रुकता ही नहीं है, ज्यादा बहने लगता है। एक टाइम देखते हो खून जो है जम जाता है हमारे शरीर में, जब खून जम जाता है इसका मतलब हमारा हमारा जो है प्रॉब्लम नहीं है। अगर खून ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक बहता रहेगा, इसका मतलब विटामिन के की प्रॉब्लम है, उसे हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स भी हमारे लिए जरूरी है, उसके लिए क्या है, कैल्शियम, फॉस्फोरस। अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो हमारे बोन्स और टिप्स जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बोन में दर्द होती है हड्डियों में, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कि वीक बोन हो जाना, टिथ में दर्द होना। ओके, कैल्शियम की जो अगर हम कैल्शियम देखें किसमें होता है, कैल्शियम मिल्क में कैल्शियम ज्यादा होता है। ओके, आयोडीन, आयोडीन किसमें होता है, आयोडीन गोइट्री की प्रॉब्लम होती है। ओके, आयोडीन सॉल्ट, नमक देखा है अपने, सॉल्ट सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन होता है, आयोडीन की मात्रा सॉल्ट में होती है, उससे अगर उसकी कमी हो जाए, सॉल्ट अगर हम कम खाएंगे तो उससे हमारे नेक जो है, हमारा गर्दन जो है ना वो स्वेल करने लग जाएगा, वो मतलब फूल जाएगा। आयरन, आयरन क्या होता है, आयरन जो हमने पीछे देखा था, आयरन एप्पल में होता है, एप्पल में पाया जाता है। ओके, उससे अनीमिया मतलब क्या होता है, ब्लड ब्लड की कमी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारी वीक हो जाती है। ओके, तो ये थी इस चैप्टर में जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आपको इस चैप्टर से पता चला होगा कि हमें कितना जरूरी है सब चीजें, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ये चीजें जरूर खाएं। ओके, आपको आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया हो। ओके, बाय गाइस।